फ्रेंड नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं स्नेहलता दुबे आपको मसालेदार बैंगन बताऊंगी। उसके साथ मैं काले चने का भी यूज़ करूंगी, जिसके लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के बैंगन, 2 आलू जो मैं लंबे काट रखी हूँ, 2 प्याज इसी तरह स्लाइस, 2 टमाटर मैंने लिया है जिसकी भी स्लाइस मैंने इसी तरह बनाई है, और हल्दी 1/2 चम्मच यूज़ करूँगी, 1/2 चम्मच मैं लाल मिर्च यूज़ करूँगी पाउडर, 1 चम्मच करी मसाला, 1/2 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला मिक्स करूँगी, और ये है हमारी हींग मैंने ले रखा है 3 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट जिसमें लहसुन की मात्रा कम है, अदरक हमारा ज़्यादा है, 3 इंच अदरक मैंने पीसा, और मैं 1 हरी मिर्च ऐड करूंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने तेल को गरम करना और पंचफोरन डालना। हम अपनी कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे पंचफोरन। आप 2 से 2.5 चम्मच डाल दीजिए तेल। पंचफोरन डाल दिया है मैंने, जब तक हमारा पंचफोरन चटकेगा, पंचफोरन हमारा चटक रहा है, अब मैं ऐड करूंगी इसमें अपनी प्याज, प्याज के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक कि 3-4 मिनट में हमारी प्याज जल्दी से गल जाए, जिसमें मैं 1/2 टीस्पून ऐड करूंगी नमक। नमक के बाद हम अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, 3 इंच मैंने अदरक ली है, और 6 से 7 कलियों का पेस्ट बनाया है मैंने। ये भूनती रहेंगी तब तक मैं ऐड करूंगी लाल मिर्च। हम अपने टमाटर को अभी ऐड नहीं करेंगे, जब सब्जी बन जाएगी तब। 1 चम्मच मसाला मैं ऐड कर दे रही हूँ, 1/2 चम्मच हम गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हम हल्दी डाल दे रहे हैं क्योंकि हमारी सब्जी ज्यादा है। हम इसे अच्छे से पकने देंगे, 5 से 7 मिनट हम अपने मसाले को भूनेंगे, जब तक हमारा मसाला पूरी तरह नहीं भून जाएगा तब तक हम इसमें सब्जी नहीं ऐड करेंगे। हमारा मसाला पूरी तरह भून चुका है, ऑयल ऊपर आ गया, अब मैं ऐड करूंगी अपनी सब्जी। सब्जी को हम थोड़े देर ऐड करके अच्छे से 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि हमारी सब्जी अच्छी तरह भून जाए, और इसके लिए मैं इस सब्जी को ढक दूंगी थोड़े देर ताकि हमारा बैगन अच्छे से गल जाए। जो चना मैंने लिया है वो चना हमारा बॉयल है, और उस चने को भी हम ऐड कर देंगे अपनी सब्जी में। हम अपने चने को सब्जी में ऐड करके फटाफट अपनी सब्जी को बना लेंगे, और इसे अब मैं ढक दूंगी। हमारी पूरी सब्जी मसाले में मिल चुकी है, अब सब्जी को हम
इसे 4 मिनट पकने देंगे ताकि हमारा बैगन और आलू थोड़ी सी गल जाए। हमारी सब्जी बैगन की थोड़ी गल चुकी है, देखिए, और ये आपस में चना और बैगन मिक्स हो गया है। मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। पानी हम 1 कप डाल देंगे, 1 कटोरी, ताकि हमारी सब्जी अच्छे से गल जाए। मैं जिस जार में की हूँ छोटे, उसी से मैं डाल दे रही हूँ पानी 1 कप, ताकि इसमें जो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है वो भी धुल जाए और सब्जी में चला जाए। आप 1 कप पानी डाल दीजिएगा। 1 कप पानी डालकर हम इसे ढक देंगे, ताकि हमारा भी सब्जी जो है 10 से 15 मिनट पक जाए। 10 मिनट बाद हम सब्जी को चेक करेंगे, अगर सब्जी ना पकी हो तो हम फिर उसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। हमारी सब्जी पक चुकी है, 10 से 12 मिनट हो गए हैं, और मैं अब ऐड करूंगी हमारे टमाटर और हरी मिर्च। इसके बाद हम चलाकर इसे 4 से 5 मिनट पकने देंगे, ताकि थोड़ा सा हमारा टमाटर गल जाए। चार पांच मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी तैयार हो गई। अब मैं अपनी सब्जी को सर्व करना स्टार्ट करूंगी। मैंने मसालेदार बैंगन और चने के सब्जी सर्व कर दी है। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत हेल्दी रेसिपी है। इसके लिए मैंने टमाटर भी लंबे काटे थे और अपने बैंगन भी लंबे आकार में कट किए थे। सेम जिस तरह मैंने, उसी तरह मैंने प्याज को भी कट किया है। सब सब्जी की वो सेम तरीका है कटिंग का। प्याज मैंने थोड़ा पतला काटा था, पर उसे भी स्लाइसेस में काटा था लंबे। अगर आपको हमारी मसालेदार बैगन विद चना के साथ सब्जी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। Thank you.